हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनवी गेमिंग चैनल। तो आज का हमारा गेम प्ले वीडियो होने वाला है हिटमैन 2 के ऊपर, और ये गेम का एकदम मिडल मिशन है, मतलब कि ये मिशन ख़त्म होते ही गेम आधी हो जाएगी ख़त्म और आधी गेम बचेगी। तो देखते हैं कैसा रहता है ये आज का। ओके, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये कोई हॉस्पिटल या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल कम होटल वैसा कुछ एरिया है, और ये दोनों हमारे टारगेट है। जो भी एरिया में हम आज जाने वाले हैं वहाँ पर कुछ तो इनलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, कोई भी मेडिकल रिलेटेड या कोई सर्जरीज जो नहीं होनी चाहिए, और वही सर्जरी को रोकने के लिए आज हम जा रहे हैं। और ये शायद से अपने ऊपर वो सर्जरी करवा रहा है, और ये वहाँ की जो भी कर्ता धर्ता या संचालन करने वाली लड़की होगी शायद से, इन दोनों को आज हमें मारना है। तो शुरू करते हैं आज का मिशन। डन। योर पर्सनल रोब हैज बीन आउटफिटेड विद अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो जो वो बंदा सामने जा रहा है, हमें उसको मारकर उसका ड्रेस पहनना है। चलो, यही बंदा है जिसको हमें मारना है। तो अभी चलो, वो तो ट्रेस पासिंग एरिया था, वहां पर हम जा नहीं सकते। यहाँ पर क्या है? ओके, ये वॉशरूम एरिया है, और यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है। अभी हमें उससे कोई ऐसी जगह पर मारना पड़ेगा जहां पर कोई बंदा हो नहीं आसपास। तो हम अभी तो फिलहाल वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर तो बहुत सारे बंदे हैं, तो तब तक के लिए हम कुछ खुराफात करते हैं। एक काम करते हैं, अंदर का जो बंदा था किधर गया? ओके, ये रहा। फिलहाल तो हमारे पास अभी कोई चीज नहीं है, गन वन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल तो हमें कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि हम किसी मतलब कि कोई भी बंदे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके। चलो, इसका काम तो हो गया तमाम, और इसकी लाश को हम लगा देते हैं ठिकाने। चलो, इसकी लाश को यहाँ पर ठिकाने लगा देते। ओके, ये क्या? ओह, मतलब कि अंदर एक बंदा था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है बे? चलो, बाल बाल बचे, मतलब कि अभी फंस जाते हम। हमें पता नहीं था कि अंदर कोई बंदा होगा, कोई बात नहीं। चलो, इन दोनों का काम खत्म। अभी हमारा टारगेट किधर गया? मतलब कि वो अभी भी यहीं पर खड़ा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पर सभी लोगों की एक कोई ना कोई पैटर्न होती है। मतलब कि अगर ये वहाँ पर अभी बात कर रहा था और चलकर अभी नीचे जा रहा है, तो फिर से वो घूम कर वहीं पर आएगा और वो उसकी पैटर्न बन जाएगी एक तरह से, वही वो रिपीट। यस, ये रहा, वो ऊपर ही आ रहा है। देखते हैं ये कहाँ पर जाता है। ओके, ये तो वॉशरूम में गया, मतलब कि हमारा मौका और आसान हो गया इसे मारने का। यहाँ पर तो कोई है नहीं, इसे हम बड़ी आसानी से मार सकेंगे। चलो, ये गया। चलो, बड़ी आसानी से हमने इसको मार दिया। अभी इसके कपड़े पहन लेते हैं पहले तो। डन। और इसकी लाश को अभी के लिए हम इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि कबर्ड तो फुल हो चुका है, दो लाश को ही हम अंदर छुपा सकते हैं। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं फिलहाल। और अभी हम अभी क्या करना है? ओके, चलो, अभी हमें डॉक्टर से मिलना है, तो जल्दी से डॉक्टर को मिल। ओके, यहाँ पर दिखा रहा है, ये रही वो डॉक्टर। चलो, अभी क्या कर रहे हैं मैं? ओके, तो हमें इसको फॉलो करना है, मतलब कि ये जहाँ पर भी हमें ले जाए हमें इसको फॉलो करना है और पीछे पीछे चलना है। Mr. Portman is with me. Hello there. No need to bother him with unnecessary security. I hope you're holding up. यहाँ पर क्या है? ओके, अरे ये तो ट्रेस पासिंग एरिया है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं आना चाहिए हमें। एक मिनट, वहाँ पर कुछ था तो सही। ओके, वहाँ पर एक छुपने की जगह है।
तो अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वहाँ पर छुप सकते हैं। चलो एक छुपने की जगह तो मिल गई हमें कम से कम। और कुछ ओके, हमारा एक टारगेट यहाँ पर है जो अपनी सर्जरी करवा रहा है। तो फिलहाल तो हमारा पहला टारगेट यही है, इसको ही हमें मारना है पहले तो। तो फिलहाल तो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ पर लेकर जा रही है हमें। ओके, तो हमने जिस बंदे को मारा है उसकी आज अपॉइंटमेंट थी, मतलब कि सर्जन का चेकअप था, तो अभी हमें चेकअप करवाना पड़ेगा उसके बदले। शायद से उसने कोई सर्जरी करवाई होगी और आज पट्टी खोलने की, मतलब कि पट्टी खोलनी थी, तो अभी उसकी जगह पर हमारी पट्टी खुल गई। It's astonishing. Done. Not only are you the spitting image of Helmut Krueger, the swelling has completely subsided and there's not a trace of bruising. If I didn't know any better, I'd say you'd never undergone surgery. It's perfect. ये थोड़ी अकड़ तो दिखा रहा है, लेकिन इसको अभी मारना है हमें। देखो ऐसा लिखा तो नहीं है कि इसको मारना है, लेकिन मार ही देते हैं खाली फोकट में यार। चलो अच्छी बात है, इसको मारकर हमें एक कैंची मिल गई जिससे कि हम किसी का भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मार सकते हैं किसी को भी सिंपली। तो अभी किसी ने देखा नहीं है हमें। ओके, मुझे लगता है कि उस बंदे ने देख लिया है। चलो अच्छी बात है, मतलब कि उसने बेकार में ही देख लिया, लेकिन उसे भी मरना पड़ा। कोई बात नहीं, फिर इन दोनों की लाश को हमें ठिकाने लगाना है, वो भी किसी को पता ना चले। ऐसे तो दो बंदे इधर, मतलब कि एक बंदे का मुंह इस तरफ है, तो अगर मैं लाश को इस कबर्ड के अंदर छुपाने जाऊँ तो वो मुझे देख सकता है। तो फिलहाल तो अभी वेट करना पड़ेगा कि वो कब उस तरफ मुड़ता है और हम लाश को ठिकाने लगा दें। क्या वो अभी मुड़ेगा? चलो फाइनली अभी हम इसकी लाश को लगा देते हैं ठिकाने। चलो ये एक गया। चल भाई जल्दी, बहुत काम है बहुत काम है। और ये दूसरा गया। चलो अच्छी बात है, दोनों की लाश को हमने ठिकाने लगा दिया है और कैंची को छुपा देते हैं अपने ड्रेस में। और फिलहाल तो यहाँ से हम निकल लेते हैं। 9:11, कहाँ से आए थे हम भाई? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं। ओके, यहाँ से आए थे हम। एक सेकंड, नहीं अभी एक काम करते हैं, हम और कोई क्लू ढूंढते हैं जो कि हमें मिल सके कि जो ये हमारा दूसरा टारगेट है उसकी सर्जरी एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा हो रही है और वो मशीन का एक्सेस है इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास। तो अभी हमें उसे मारकर उसकी ड्रेस पहननी है ताकि हम उस मशीन के एक्सेस को अपने हाथ में ले सके। और उस मशीन से आपको पता है हम अपने टारगेट को बड़ी आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वो आसान इतना रहने वाला नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है जो कि मैं आपको बताऊँ तो रेसिडेंट इविल जो कि जोम्बिस की सीरीज़ है उसमें एक ऐसी मशीन थी जो कि अपने आप सब कुछ हैंडल करती है। ऐसी ही ये मशीन है कि जो अपने आप ही सब कुछ हैंडल करती है। तो इसको हमें हैक करना है या इसकी सिस्टम को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है तो ही हम अपने टारगेट को मार सकेंगे। तो पहले तो इसके ड्रेस को हमें पहनना है। तो अभी ये भी मौका हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी जगह पर हमें मिल जाए जहाँ पर ये अकेला हो। तो फिलहाल तो अभी इसका पीछा ही करवा। अरे यार, हम उसे वॉशरूम के अंदर बुलाकर भी मार सकते हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी से कैंची को हाथ में ले लेते हैं। और क्या इसने सुना? यस यस, इसने सुना, अभी अंदर देखने आए। अरे यार, इसने भी सुना यार, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मतलब कि कोई एक बंदा नहीं सुन सकता क्या? Let this get to you, man. Calm. खाली फोकट में सुन लिया इसने, अगर ये नहीं सुनता तो ये बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें वैसे भी इसे मारना ही था। तो फिलहाल इसकी लाश को भी हम अंदर ठिकाने लगा देते हैं। भाई ऐसे ऐसे तो यहाँ पर यार लाशों का ढेर बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मिशन कंप्लीट करना है हमारा आज का।
बाकी सब गया बाड़ में। गन उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, मतलब कि काम की चीज़ है यार कैंची तो। और ओके अभी वो बाहर चला गया, फिर से हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता। क्या वो अंदर आएगा? क्या आपको क्या लगता है गाइस, वो अंदर आएगा? Oh, not right now, please. Not in the mood. अबे अंदर तो जा यार कम से कम। No, sorry, sir, but you're just making me feel a little uncomfortable now, okay? यहाँ पर इसको मारूंगा तो सामने वाला गार्ड देख ही लेगा। क्या वो अभी तो अंदर आ जा कम से कम यार। चलो फाइनली। Okay, kids, that's enough. We need to go home now and leave us adults alone. चलो मतलब कि इतनी मशक्कत के बाद फाइनली इससे हमने मार ही दिया। और अभी इसके कपड़े हमें पहनने हैं, फर्स्ट काम ये हमारा। और अभी इसकी बॉडी को भी हम अंदर यहाँ पर ही लगा देते हैं सभी बॉडीज के साथ। हम मतलब कि हमारे ऊपर शक आएगा तो नहीं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर से हम निकल जाएंगे। इसके बाद अगर कोई यहाँ पर आता है तो बॉडी देखकर शायद से पंगा हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन हम इतना फंसेंगे नहीं मुझे लगता है। तो अभी तो फिलहाल हमें चलना है ऊपर जहाँ पर मार्क दिखा रहा है, मेन फ्रेम, मतलब कि काई नाम का वो मशीन है जो ये सारी सर्जरीज ऑटोमेटिक हैंडल कर रहा है। तो उसी मशीन को हमें आज ऑटोमेटिक से अपना मैन्युअल करना है, और हमारे इशारे पर वो मशीन हमारे पहले टारगेट का काम खलास कर देगा। तो यहाँ पर ओके, इस दीवार के पीछे वो मशीन है, लेकिन सामने ही एक गार्ड खड़ा है जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पहचानता है। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शंस है, इसको यहाँ पर बुलाकर उसे मार देंगे, लेकिन अगर किसी और ने देखा तो फिर से हम फंस सकते हैं। और दूसरा रास्ता है कि मैं सीधा तोड़कर अंदर चला जाऊँ, उसे पता तो चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर एक बार रूम में घुस गया शायद से हम बच सकते हैं। तो लेकिन बाहर निकलते वक्त ये वहाँ पर होगा ही होगा, तो क्या करें हम? एक काम करते हैं, सीधा अंदर ही चले जाते हैं। ओके हम अंदर तो आ चुके, वो चेक करने आएगा या नहीं आएगा? चलो नहीं आया, मतलब कि उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। ओके तो यही मशीन को आज हमें ठिकाने लगाना है, वो भी इस चार बॉक्सेस के मदद से, मतलब कि इसमें उसका डेटा या मेमोरी स्टोर होगी जिससे कि ये ऑटोमेटिक रन करता है। I would suggest you stop doing that. Tampering with the system mainframe could lead to harsh legal actions. I would strongly suggest you stop doing that. It's not clever nor funny. बंद हो जा मेरी माँ, बंद हो जा यार, प्लीज प्लीज बंद हो जा यार, मतलब कि ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है मशीन। मतलब कि tampering with the system mainframe could lead to harsh legal actions. I would strongly suggest you stop doing that.
it's not clever, nor funny. Nice try, but no go. Reboot sequence initiated. Warning. Operations procedure overwritten. Is that here, Director? No vital signs detected. Commencing resuscitation procedure. Charging. Defibrillating. Ready. मतलब कि इस मशीन को हो क्या गया, मतलब एक बार मैंने ट्राई किया तो हो गया, अब हो ही नहीं रहा भाई, करे तो करे क्या, मतलब कि इंसान जाए तो जाए कहाँ यार, करना मत प्लीज। जो एक बंद हो गया, मतलब डन। You are not the director. I should warn you are not allowed to do that. चलो finally, मतलब कि अब जाके ये मशीन बंद हुई है। Remind me not to call you. चलो हमने बड़ी मेहनत के बाद इस मशीन को बंद कर दिया और अभी हमारा टारगेट हो जाएगा खत्म। मतलब कि आप सीन देखना हमारा टारगेट का, और ये जिस मशीन से इसकी सर्जरी हो रही थी उसी मशीन से इसकी जान चली गई। तो एक टारगेट हमारा यहाँ पर हो चुका है ख़त्म, और अभी बारी है दूसरे टारगेट की। तो फिलहाल तो अभी सब तरफ भगदौड़ आई थिंक सो मच चुकी होगी, नहीं मची, चलो अभी तक हमें कोई पहचानता नहीं है, तो फिलहाल तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। To be honest, I'm not sure what to feel about this one. अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ड्रेस में हमें Yamazaki awaits. मतलब कि कितने बंदे पहचानते हैं, चलो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत बंदे तो है जो हमें इसके ड्रेस में पहचानते हैं। तो फिलहाल तो हम अपने ओरिजिनल ड्रेस में वापस आ जाते हैं जो कि हमने इससे छीनने से पहले पहना था, तो वही ड्रेस हमें काम आ सकता है क्योंकि अभी तो हमें शायद इसको मारना है बस, और कोई काम है नहीं। तो ये वाला ड्रेस था क्या वो, चलो ये रहा। अभी शायद से हमें कोई नहीं पहचानता, चलो अच्छी बात है, अभी हम इसको बड़ी आसानी से मार सकेंगे। अभी इसको हमें फॉलो करना है, मतलब कि इसकी पैटर्न क्या क्या रहती है, कहां पर जाती है, कहां पर रुकती है, यही हमें देखना है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए हमें इसे मारने का। मतलब कि वो मशीन ने तो जान खा के रखी थी यार, मतलब कि मान ही नहीं रही थी, मशीन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई बात नहीं, हमने जैसे तैसे करके उसका मुंह बंद कर दिया, हम उसके पीछे चलते काम करते, कोई ना कोई ऐसा मौका हमें मिलेगा ज़रूर कि वो अकेली हो और हम उसे मार सके। क्या कह रही है अबे, ओके यहाँ पर तो स्पा है, मतलब कि यहाँ पर लोग नाना गृह कह सकते हैं इसे, और ये तो इधर ही आ रही है भाई। ओह शिट यार, ये दरवाज़ा बंद है, मतलब कि too crowded and too little here forever. Pampered weaklings with a delicate skin. No, I'll pass. Oh man. एक मिनट, ये वही जगह है जब मुझे लग रहा है मेरे पास एक आइडिया है इसे मारने का। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? यार हमें फिर से डॉक्टर के कपड़े चाहिए, ये कपड़े हमें एंट्री नहीं दिला सकते, कोई बात नहीं, फिर से हम डॉक्टर के कपड़े पहन लेते हैं। चलो डन, अभी हमें अंदर एंट्री मिल जाएगी, कोई पहचानता भी नहीं हमें। चलो ओके, तो ये जो रूम है जहाँ पर हमें छुपने की जगह मिली थी, यस मैं सही सोच रहा था, मुझे लगा कि ये मैंने कहीं तो देखा हुआ है। ओके अंदर पहले तो जो दो बंदे हैं उसको हम बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देते हैं, और ये दरवाज़ा वो जो नहीं खुला था, डन। मर गया क्या वो, मतलब कि डायरेक्ट मौत,
इतना हाई हो गया टेम्परेचर क्या? दोनों के दोनों मर गए। कोई बात नहीं, अभी हम भी अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। अभी हमें फिर से वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा टारगेट वापस से यहाँ पर नहीं आ जाता। तो एज यूजुअल फिर से वेट करते हैं हम। एक मिनट, और एक आइडिया है मेरे पास। जबकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन दोनों की मौत हो गई अंदर, और जब हमने देखा कि जो अगली बार वो यहाँ पर आई थी तो बोल रही थी कि एज़ यूजुअल क्राउडेड, मतलब कि उसको अंदर जाना होगा, ये दोनों अंदर बैठे थे इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पर क्राउड है तो बाद में आएगी, तो अभी शायद वो खाली देख कर अंदर जाए और हाई टेम्परेचर की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाए, तो हमें मारना भी नहीं पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो देखते हैं क्या होता है। वो यहाँ पर जब तक आ नहीं जाती दूसरी टारगेट तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बार वो यहाँ पर अगर आ गई तो फिर या तो हम उसके मत्थे पर गोली मारेंगे या फिर वो हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाएगी। दोनों में हमें तो उसको मारना ही है, या हम मारें या वो अपने आप मर जाए। तो पहले तो That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. चलो फाइनली हमने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया है, तो अभी यहाँ से हमें सिंपली एग्जिट लेना है, जस्ट एग्जिट और कुछ नहीं। मतलब कि फाइनली हमने ये मिशन ख़त्म कर ही दिया है, बस हम एग्जिट के दरवाजे जितना ही दूर है। ओके, और आगे से ओके, वो रहा सामने एग्जिट का दरवाज़ा। हमने दोनों टारगेट को मार दिया है और फाइनली हम अभी एग्जिट करने जा रहे हैं। ओके, फाइनली ये मिशन यहाँ पर होता है द एंड। चलो तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही रखते हैं हम, आगे दूसरे मिशन के वीडियोस हम डालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।